हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग फैब इंडियन फूड। आज मैं आप सबके साथ बारबेक्यू नेशन स्टाइल ग्रिल पाइनएप्पल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। सबसे पहले पाइनएप्पल को पील करके उसके पीसेज हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से पाइनएप्पल पीसेस हम रेडी कर लेंगे। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करके हम सबसे पहले 1 स्पून शुगर लेंगे, 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, 1/4 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, 1/4 स्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 स्पून चाट मसाला और 1 स्पून हनी और 1/2 लेमन जूस। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और ये अच्छा सा एक पेस्ट रेडी हो जाए। उसके बाद हम इसमें पाइनएप्पल के पीसेस ऐड करके इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। अब इसमें हम पाइनएप्पल पीसेस ऐड करके इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको आधे घंटे मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आधे घंटे के बाद हम इस तरह से वुडन के स्क्वायर्स ले लेंगे और उनमें इनको एडजस्ट कर लेंगे। 2 पाइनएप्पल के पीस आप थोड़ा सा गैप रखें ताकि ये अच्छे से ग्रिल हो पाए। इसी तरीके से हम सारे स्क्वायर्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक हाई रैक ले लिया है और उसी में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव को ऑन कर लिया है और उसे मैंने ग्रिल मोड पे सेलेक्ट किया है। ग्रिल मोड पे हम इसे कम से कम 12 से 13 मिनट के लिए इसको ग्रिल करेंगे, यानी 13 मिनट हम सेलेक्ट करेंगे, 12 to 13 मिनट। तो ये मैंने टाइम भी सेलेक्ट कर लिया है ग्रिल मोड पे। अब हम माइक्रोवेव में इस रैक को शिफ्ट कर लेंगे और स्टार्ट कर देंगे और 12 या फिर 13 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये 12 मिनट हो चुके हैं, ये काफ़ी अच्छे से ग्रिल हो चुका है। तो कितना इजी है घर पे बारबेक्यू नेशन स्टाइल ग्रिल पाइनएप्पल रेडी करना। होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।